असलम आई होप एवरी वन इज़ फाइन स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डबल स्लिट इंटरफेरेंस फर्स्ट ऑफ आल वी विल सी इट्स इंट्रोडक्शन द एक्सपेरिमेंट इज़ नेम्ड फॉर इट्स इन्वेंटर थॉम्स यंग एंड दिस एक्सपेरीमेंट स्ट्रॉगली डिमॉन्सट्रेट द वेव नेचर ऑफ लाइट दिस एक्सपेरीमेंट शोड दैट लाइट बिहेव एज बोथ वेव एंड अ पार्टिकल स्टूडेंट इस एक्सपेरीमेंट का नाम जो है वो इसी साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रखा गया था जिसे हम डबल स्लिट एक्सपेरीमेंट भी कहते हैं इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने वेव नेचर को स्टडी करना है और इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम ये भी बताएंगे कि लाइट की जो है वो डुअल नेचर होती है यानी कि लाइट एज अ वेव भी बिहेव करता है और एज अ पार्टिकल भी बिहेव करता है जिस तरह से हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डूअल नेचर है यानी कि इलेक्ट्रॉन एज अ वेव भी बिहेव करता है और एज अ पार्टिकल भी तो सिमिलरली हमारे पास लाइट की भी जो है वो डूअल नेचर होती है नेक्स्ट हम देखते हैं डोलिटी ऑफ द लाइट या यानी कि जो लाइट है उसकी डुअल नेचर है यानी कि एज़ अ पार्टिकल और एज अ वेव ये किस तरह से बिहेव करती है पार्टिकल लाइक अगर हम इसकी नेचर को डिस्कस करें तो लाइट जो है वो फोटोन से मिल बनती है और फोटोन हर एक जो फ़ोटोन होता है वो मैसलेस होता है और इनके पास जो है वो एक अपनी स्पेसिफिक एनर्जी भी होती है अब यहाँ पे देखें जब लाइट यहाँ से इस स्लिट के अंदर से पास करेगी तो पास करने के बाद क्या होगा यहाँ पे आप इसकी इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी लाइट जो है वो यहाँ पे आके स्ट्राइ या फॉल कर रही है यानी कि इसकी इंटेंसिटी जो है हमें ये बताएगी कि लाइट जो है वो एज अ पार्टिकल बिहेव करती है फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट के अंदर कॉमटेन्ट अफेक्ट के अंदर और पेयर प्रोडक्शन जो अफेक्ट होता है इसके अंदर हम ये शो करते हैं कि लाइट की जो नेचर है वो एज अ पार्टिकल नेचर होती है वेव लाइक नेचर के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि जिस तरह से लाइट रिफ्लेक्शन करती है या रिफ्लेक्ट होती है या इसी तरह से जब लाइट डायफ्रैक्ट होगी तो डायफ्रैक्ट होने के बाद क्या करेगी इंटरफेयर करेगी और इंटरफेरेंस के बाद जो है यानी कि हमारे पास इस स्क्रीन के ऊपर डार्क एंड ब्राइट फ्रेंजस अपीयर हो जाएंगी और डार्क और ब्राइट फ्रेंजस किस तरह से अपीयर होंगी ड्यू टू दी कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव फिनिना स्टूडेंट इस एनिमेशन के अंदर आप ऑब्जर्व करेंगे कि लाइट किस तरह पार्टिकल बिहेव करती है स्टूडेंट्स इस एनिमेशन के अंदर आप चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरह से लाइट एज अ वेव लाइक नेचर रखती है यानी कि जब इस मोनोक्रोमेटिक सोर्स के अंदर से लाइट इमिट करेगी इमिट होने के बाद जब ये स्लिट से पास होगी तो पास होने के बाद आप स्क्रीन के ऊपर विजुलाइज़ करेंगे कि आपको डार्क एंड ब्राइट फ्रेंजेस जो है वो नजर आएंगे और तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें कि जब लाइट इंसुलेट के अंदर से पास होगी तो स्क्रीन के ऊपर आपको डार्क और ब्राइट फ्रेंजेस नजर आ रही हैं जो कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से होंगी इस स्क्रीन के ऊपर आपको ब्राइट एंड डार्क फ्रेंजेस जो है वो अपियर होती हुई नजर आ रही हैं तो स्टूडेंट यहाँ से हमने ये एनालाइज किया कि लाइट जो है वो एज अ वेव लाइक नेचर भी रखती है इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो प्रोसीजर यूज़ होगा उस प्रोसीजर में हम ऑपरेटर्स देख लेते हैं एक डबल स्लिट यूज करेंगे स्क्रीन होगी और लाइट बीम होगी नेक्स्ट है इसका प्रोसीजर यंग अटेम्प्टेड दिस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एट फर्स्ट विद वन स्लिट सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर लाइक टीनी बॉल्स ऑफ मेट्रिय दे लाइन अप परफेक्टली बिहाइंड ऑन द वॉल दस हेल्पिंग द हाइपोथिस ऑफ बिहेविंग एज अ पार्टिकल दैन ही अटैम्पटेड द एक्सपेरिमेंट विथ टू स्लिट सबसे पहले यंग ने क्या किया था डबल स्लिट एक्सपेरीमेंट को जो है वो सिंगल स्लिट के साथ परफार्म किया था और उसमें क्या हुआ था अलेक्ट्रॉन जो हैं वो स्लिट के बिहाइंड पे परफेक्टली लाइन अप हो गए थे जिससे हम ये अनालज कर सकते हैं कि जो अलेक्ट्रॉन है वो एज अ पार्टिकल भी बिहेव कर रहा है इसके बाद इस एक्सपेरीमेंट को डबल स्लिट के साथ परफार्म किया गया जिसमें हमने दो स्लिट्स ली थी इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या डबल स्लिट इंटरफेरेंस भी बोला जाता है स्टूडेंट्स इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने दो ओपनिंग्स ली हैं दैट इज़ एस वन एंड एस टू अब क्या होगा लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट के ऊपर अगर चेक करना चाहें कि यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम रीजन आएगा या मिनिमम रीजन यानी कि डार्क रीजन आ रहा है या ब्राइट रीजन तो उसके लिए क्या होगा अगर यहाँ पर हम देखते हैं कि पाथ डिफरेंस अगर जीरो होगा तो तब यहाँ पे जो सेंट्रल पॉइंट के ऊपर आपके पास फ्रिंज बनेगी दैट इज़ दी ब्राइट फ्रिंज अब लेट्स पोज स्लिट के ऊपर हम किसी भी पॉइंट पी के ऊपर अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं इंटरफेरेंस का फिनिने को कि हमारे पास डार्क फ्रिंज बनेगी या फिर हमारे पास ब्राइट फ्रिंज बनेगी तो उसके लिए हम क्या करते हैं पी पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं एस वन से पी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ आर वन और एस टू से पी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ आर टू अब देखें यहाँ पे S2 से जो P तक का डिस्टेंस है वो कम है एज़ कंपेयर टू एस से P तक का जो डिस्टेंस हम कंसिडर कर रहे हैं तो अब हमने क्या करना है यहाँ पे इसके पाथ डिफरेंस को इक्वलाइज करना है तो इक्वलाइज़ करने के लिए हमने क्या किया था यहाँ पे एक परपेंडिकुलर फॉल करवाया है परपेंडिकुलर फॉल करवाने के बाद आपके पास जो है ये जो S2 और यहाँ पे ये यह जो पॉइंट है ये और P पॉइंट तक एक जो ट्राइंगल फॉर्म हुई है अब क्या हो जाएगा इसमें इसके पाथ डिफरेंस इक्वल हो जाएगा और एस वन और एस टू का जो सेंट्रल डिस्टेंस है दैट इज द डी इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख सकते हैं वी टेक टू स्लिट एस वन एंड एस टू अ प्लेन वेव फ्रंट ऑफ लाइट दैट कम आउट ऑफ टू स्लिट इज सेट टू बी कोहेरेंट वेव्स फ्रॉम टू स्लिट इंटरफेयर विद ईच अदर एंड एज अ रिजल्ट ब्राइट डार्क रीजन कॉल इंटरफेरेंस फ्रेंजेस आर ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन इसकी एक्सप्लेनेशन में वही है कि हमने दो स्लिट्स ली हैं और इसके सामने एक स्क्रीन रखी हुई है जहाँ पे हमने डार्क एंड ब्राइट फ्रेंजस को ऑब्जर्व करना है आल द रेज फ्राम स्लिट एस वन एंड एस टू हैव सेम डिस्टेंस फ्राम सेंट्रल पॉइंट देयर फॉर वेन रेज इंटरफेयर एट सेंट्रल पॉइंट इट विल ऑलवेज अपीयर ब्राइट कॉल मैक्सिमम मैक्म यहाँ पर आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं कि लेट्स पोज अगर हम यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट करना चाहें इंटरफेरेंस तो क्या होगा पाथ डिफरेंस इक्वल होगा यानी कि एस टू से यहाँ पे हम स्पॉट लेंगे और एस वन से यहाँ पे लेंगे तो पाथ डिफरेंस इक्वल होने की वजह से सेंट्रल पॉइंट के ऊपर हमेशा ब्राइट फ्रिंज बनेगी हाउ एवर द केस द डिफरेंट फॉर एनी अदर पॉइंट ऑन द स्क्रीन द रेज ट्रेवल डिफरेंट डिस्टेंस टू पॉइंट आर वन एंड आर टू फ्रॉम एस वन एंड एस टू रिस्पेक्टिवली देन वी विल सी अ पाथ डिफरेंस इक्वल टू एस वन पी आर डी साइन थीटा वेयर थीटा इज़ द एंगल रेज मेक विद द ऑरिजेंटल प्लेन इस फिगर के अंदर देखें सिर्फ यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट के लिए ब्राइट फ्रिंज होगी इसके अलावा हम यहाँ पे किसी भी पॉइंट पी के ऊपर अगर फाइंड आउट करना चाहें कि कौन सी फ्रिंज बन रही है तो उसके लिए क्या होगा एस वन और एस टू का जो पार्ट डिफरेंस होगा वो डिफरेंट आएगा डिफरेंट पॉइंट्स के लिए तो उसके लिए हमने क्या किया यहाँ पे जो हम ले रहे हैं एस वन से पी क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा था तो हमने यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन की और जो कि इक्वल आएगा यहाँ पे डी इंटू थीटा के इक्वल जो हम पाथ डिफरेंस ले रहे हैं नेक्स्ट हम क्या करते हैं कंडीशन चेक कर लेते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी के लिए तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए हमने फाइंड आउट किया डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लेमडा वेयर एन कैन टेक ऑन इंटीजर वैल्यू एन इक्वल टू जीरो वन टू थ्री एन की यहाँ पर हम इंटीजियर वैल्यूज लेंगे यानी कि प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री यानी कि एक हम सेंट्रल पॉइंट लेंगे सेंट्रल पॉइंट से अबव अगर हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो वो पॉजिटिव में आएंगी सेंट्रल पॉइंट से बिलो अगर फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसके लिए हम इनको नेगेटिव पुट कर देंगे और एन इक्वल्स टू जीरो के लिए पाथ डिफरेंस क्या होगा जीरो और ब्राइट फ्रिंज जो है वो बनेगी नेक्स्ट है कंडीशन फॉर मिनिमम इंटेंसिटी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो हम कंडीशन यूज़ करेंगे दैट इज डिसन थीटा इक्वल्स टू एन प्लस वन बाई टू इन लेमडा तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आ गई होगी आज का हमारा लेक्चर जो है वो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर था इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़